अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा इरफान, जुलेखास किचन से। और पीछे का जो आप देख सकते हैं, बाहर का तापमान बहुत ही ठीक है, आज दुबई के टाइप लग रहा है। एंड बस हम लोग निकल रहे हैं। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ठीक हूँ और मज़े में हूँ। तो चलिए, आप लोग भी आज के दिन, आज आखिरी दिन है हम लोगों का, सो चलिए हमारे साथ मज़े करेंगे, खाएंगे पिएंगे और घूम के फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करके आ जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। आज हम लोग जा रहे हैं गोल्ड सूक और स्पाइस सूक, जो हमारे जो होटल है उसके नज़दीक है। सो बस यहीं से वॉक करके जा रहे हैं। कितना किलोमीटर है? आधा किलोमीटर है? आधा भी नहीं है। तो क्वाइट कंफर्टेबल है, वॉक करके जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप? एक और चश्मा ले लो मेरे बच्चे के लिए। किसके लिए? मेरे बच्चे के लिए। बस अभी यही बाकी रह गया, तो तेरे बच्चे के लिए भी लूँ। रियल का बच्चा होगा, डेफिनेटली लूँगी। अभी ये टॉय वाले के लिए मैं क्या लूँ बेटा? यार एक और चश्मा ले लो। चलो ठीक है, देखती हूँ। आपके अंदर धूप आ रही है इसलिए मैं उसका आग कवर कर रहा हूँ। अच्छा, तुम ही पैसे कमा के उसको चश्मा दिला के दो ना। अरे मेरे पास एक भी पैसे नहीं है उसके। तो ऑन करना पड़ेगा ना पैसे, तो ऑन करो। तो पैसे दो ना मुझे। तो तुमको ऑन करना पड़ेगा, मैं दूं पैसे उसका कैसे चलेगा? धीरम के सगे, कल इंडिया रुपी है अपन। हम रुपी वाले, हम धीरम वाले नहीं है बेटा। आज धीरम देना शुरू। हाँ, आज सिर्फ दिन कोई भी चश्मा है क्या? क्या आठ दिरहम का कोई भी चश्मा है क्या? मुझे पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा मुझे आठ दिरहम का कोई चश्मा है क्या, ये रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। चेक करूंगी। मुझे चलते चलते हिजाब में पहनने के अंदर की जो टोपी ही कहते हैं वो मिल गई कलर्स वाली, तो मैंने वो ले ली। दो बाय दिस, ये दिस टू हाँ जी। ओके, बैग में बोल रहे हैं। पांच रंग का बैग है इसे। नहीं, दे 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 दो आप, मैं ले लेता है। हाँ, मुश्किल नहीं है, तुम वो टाइप बैग भी दे दो। हाँ, बैग वाले बैग का भी पांच रंग है। पांच का ना दो। और ये आ गया गोल्ड सूक। थोड़ा सा रश था और ये उसका गेट है। ये यहाँ से है ना, सारी शॉप्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की ही है, मतलब गोल्ड की शॉप्स ही हैं सारी। और मैं वो देख रही थी, मुझे भी देखना था तो मैं देख रही थी अंदर जा के। अच्छा, कुछ डिज़ाइंस बहुत अच्छी है, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए डेलिकेट भी है। और जो बड़ी बड़ी डिज़ाइनें भी है, अरबिक शायद पहनते होंगे, वहाँ का कल्चर वो होगा, वहाँ की स्टाइल वो होगी, इसके लिए इस तरीके से वो लोग रखते होंगे। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह, ये सब पहनते होंगे तो ही बिक रहा होगा ना। तो ये सब भी हमने देखा। और हाँ, वहाँ कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी है, एक रिंग का कि कुछ बहुत इतनी हैवी है कि वो रिकॉर्ड बना चुकी है, मैंने वो भी देखा। उसके बाद वहाँ से हम थोड़ा चल के अंदर की साइड पे, ये वाली लेन के अंदर थोड़ी सी और शॉप्स हैं, और हमारी इंडियन शॉप्स बहुत ज़्यादा है और बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप है हाँ इंडियन की, तो मैं वो चेक कर रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने एक ब्रेसलेट ली क्योंकि मैं ज़्यादा बैंगल्स नहीं पहनती हूँ, तो हाथ खाली रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने खुद की कमाई से, कहिए खुद के अर्न किए हुए मनी से मैंने ये एक बाय किया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मेरे दिल से यही निकल रहा है कि अल्लाह हर एक लड़की को ऐसा दिन दिखाए कि वो खुद की मेहनत से, खुद के कमा के, खुद के लिए कुछ ले, और वो उसमें जो खुशी है वो बात ही कुछ और है। बस वहाँ से हम निकल चले ये लेने के बाद। ये समझ में नहीं आ रहा, यूटेंसिल सूक, यूटेंसिल मार्केट है सिर्फ बर्तनों की। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। और ये है बस स्पाइस सूक। यहाँ से मुझे जाफरान लेने थे तो बस मैं वही ले रही हूँ। ये मेरा जाफरान ले लो ना, मेरा गोल्डी गोल्डी जाफरान, मेरा गोल्ड कितना गोल्डन है। ये सारे नींबू हैं, ये ड्राइड नींबू हैं सूखे हुए, ये ब्लैक नींबू है, ये भी सूखे हुए ही है। ये वाला बारबेक्यू मसाला, ये क्या है? टर्किश क्रंच चले, वो स्वीट उबित क्रश है, तो बारबेक्यू है। ये लेमन पेपर है, ये सिनेमन पाउडर है, तंदूरी है, सुबह का जिंजर है, और एक है कैरी है, चिली और स्वीट मिक्स सेवन स्पाइसी।
मिक्स स्पाइसेस है ये तो ये किस चीज के लिए डालना है? सब चीज में, चिकन, बिरयानी, बीफ, सब चीज में सकते हैं। वहाँ से चलते चलते मुझे बुरखी भी लेने थे। वैसे मैंने मेरी मेरे लिए और मेरी एक ननंद के लिए तो ले लिए थे, दूसरी ननंद और मेरी सास का रह गया था, उन दोनों के लिए बुरखे लेने थे। तो मैंने एक शॉप में मुझे देखी तो पसंद आया, मैंने वो दोनों ले लिए एक साथ। और फिर उसके बाद हम आगे निकले। अब चलते चलते हमें थोड़ी भूख लगने लग गई तो हम यहाँ रेस्टोरेंट में रुक गए। वगैरह है और एक तो इंग्लिश में भी नहीं लिखा है, एकदम उर्दू। वहाँ तक जाएगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा वापस जाके वहाँ। ये एकदम ऑथेंटिक ऑथेंटिक ईरानियन रेस्टोरेंट है। आई डोंट नो खाना कैसा है, लेट्स सी, ट्राई आउट। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आया, ये सैलड आता तो मेरा दिल खुश हो जाता है, और वो सूप था तो हमने वो टेस्ट किया। अच्छा है, नॉट बैड, फ्री का है, दैट्स सो स्वीट। जब आया तो मैंने कहा कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है, तो इसे फ्री का है। और ये आ गया हमारे कबाब मटन के, और वो जो फ्री का सूप था वो आप बराबर में देख सकते हैं। और ये है मटन बिरयानी, ईरानियन मटन बिरयानी, वो जो साइड पर रखा हुआ है ना उसमें है ये बैगन का भरता, जो ये बिरयानी के साथ ये लोग कहते हैं, ये लोग खाते हैं, तो बड़ा डिफरेंट था हमारे लिए। हाँ ये बिरयानी भी इतनी इंटरेस्टिंग लगी ना, मटन की बिरयानी थी लेकिन इसे खा किसके साथ रहे थे हम लोग मालूम है? बैगन का कुछ सालन था उसके साथ खा रहे थे। और जो गोश्त एकदम लजीज था, इतना सॉफ्ट था, मुलायम, ऐसे बस खुद की हड्डियों में से खुद ही निकल रहा था, ऐसा गोश्त था। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट खाया मैंने ये वाली बिरयानी, लेकिन बहुत अच्छी लगी। कि आप देख सकते हैं सारा खाना हमने ख़त्म कर लिया, फ्री वाला भी, हाँ, और उससे निकल पड़े हम आगे की ओर कि हमें आगे शॉपिंग करनी थी। चॉकलेट की शॉपिंग बाकी थी तो लास्ट मोमेंट पे चॉकलेट की शॉपिंग कर ली। लेना देना भी करना चाहिए, वो सुन्नत भी है, गिफ्ट्स बांटने चाहिए, देने चाहिए, तो बस हम वही कर रहे थे। थोड़ी बाहर के लिए ले रहे थे, मतलब फैमिलीज को देने के लिए, और थोड़ी हमारे लिए ले रहे थे। बस वो लेने के बाद हम निकल पड़े। रात को अगर आपको वहाँ नहीं खाना है तो ये वाली मंडी में खा ले, लेट्स सी ना कितने बचते हैं वहाँ पहुँच से, कितने बचे हैं। होटल में सामान ड्रॉप किया और फिर से निकल गए। आज हमें जाना था एक्चुअली JVR, और हमें ये था कि लाइट के टाइम पे जाएं तो बेटर रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विंटर्स चल रहे हैं तो बहुत जल्दी शाम हो रही है। तो कितना भी कर लो, हम 4 बजे निकले, हम टैक्सी में नहीं आए और ट्रेन में आए कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, बट तब भी हम जल्दी नहीं पहुँच पाए। तो हाँ, JVR मेरा जा तो रहे हैं हम, लेकिन रात हो गई। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊंगी दिन के टाइम पे, 4 बजे के टाइम पे, और ज़रूर एक्सप्लोर करूंगी, क्योंकि दिन में देखने का अलग है और रात में देखने की ब्यूटी भी अलग है। तो ये मैं अभी फ़िलहाल रात में देखूंगी और दिन में भी देखूंगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और ये आ गया क्या, दुबई JVR बीच तो, लेकिन इसको व्हील को क्या बोलते हैं लोग? नहीं अभी दुबई का गोला तो दुबई का गोला तो नहीं बोलते हैं, कुछ मैं भी भूल गई क्या बोलते हैं, समथिंग व्हील, दुबई व्हील। ओ माँ, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। खेलना था तो हम थोड़ी देर वहाँ बैठ गए, और बैठ के पीछे से देख रहे थे तो इतना खूबसूरत नज़ारा था, जैसे ये दुबई आई कहिए या व्हील कहिए या जो भी कहिए। अच्छा, अरफात इसे दुबई का गोला कह रहे थे, जो मैंने आपको स्टार्ट में अरफात से कहा, नहीं नहीं वो नहीं कहते, शायद व्हील वगैरह कहते। और क्या खूबसूरत खूबसूरत बड़ी बड़ी स्पार्कलिंग करती हुई बिल्डिंगें थी, बहुत अलग एटमॉस्फेयर था, ये पूरे एरिया का एकदम अलग एटमॉस्फेयर था JVR बीच का, बहुत मज़ा आया मुझे।
रही थी, इसे दुबई आई कहते हैं, अब याद आया, दुबई व्हील नहीं कहते हैं, मैंने दुबई व्हील कहा था, दैट्स रॉन्ग। ये कितना खूबसूरत है, कुछ डोम शेप का बना हुआ, तो पता नहीं रेस्टोरेंट है या क्या है, कैफे है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हर खूबसूरत चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और कितना अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वहाँ से वो जो दरिया और वो सारी जो इमारतें हैं, आई मीन बिल्डिंग्स, खूबसूरत खूबसूरत सी अच्छी लग रही है। और ये क्या है, बसंती एंड कंपनी इंडियन किचन, ये भी थोड़ा डिफरेंट लगा, तो मैंने इसका शॉट भी ले लिया। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं, चाय शायद अगर मिली तो पियेंगे, नहीं तो खाना खा लेंगे। ना सर दुख रहा है ना, वो ड्रिंक टी और सामने डिलीशियस है, टी डिलीशियस, लेट्स सी कैसी चाहिए, आई आस्क हिम अरफात को कि लेट्स ऑर्डर ओवर हियर, देखते हैं चाय कैसी है यहाँ की। हमें ना मांडी खानी थी, लेकिन पैर के ऐसे चूरा हो चुके थे बाय दिस टाइम, तो हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कहीं जाके अभी खाएं, बस यहीं पर सोचा एक दो राउंड लेते हैं, और बस मैकडॉनल्ड हो तो मैकडॉनल्ड कुछ भी दे दे भाई, कहीं से भी कुछ आ जाए, खाना खा के हम बस जाना चाह रहे थे। और हमें दुबई आए में बैठना नहीं था, हम तीनों को ही नहीं बैठना था, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे और ज़रूर बैठेंगे, अभी फ़िलहाल मूड नहीं था हमारा इस कदर के बैठे, बहुत टायर्ड हो चुके थे। ये क्या है अरफ़ान? चीज़ केक। ओके, चीज़ केक की बर्गर चिकन वाला। क्वार्टर पाउंडर। और ये है? क्वार्टर पाउंडर। क्वार्टर पाउंडर विच? देर फेमस। देर फेमस बर्गर यहाँ का। दिस इनका अमेरिकन बर्गर। इनका? क्वार्टर पाउंडर वेरी फेमस अमेरिकन बर्गर। अमेरिकन बर्गर। वेरी फेमस क्वार्टर पाउंडर, मतलब क्वार्टर पाउंड उसके अंदर गोश्त रहता है, इसलिए उसका नाम क्वार्टर पाउंडर पड़ा। ट्राई करती हूँ चीज केक, मजेदार सा। वेरी नाइस, बहुत ही टेस्टी है। ये JBR एरिया का जो फील है वो बहुत ही डिफरेंट है, और बुर दुबई का अलग है, डेरा का अलग है, सबका अपना एक अलग चार्म है, लेकिन यहाँ का एक अलग ही लाइटिंग और ये थोड़ी सी डिफरेंट ही है। तो मज़ा आया ये एरिया को भी एक्सप्लोर करके, और बस हमने पकड़ी टैक्सी और निकल गए हमारे होटल की ओर। पर रास्ते में खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें मज़ेदार सी दिख रही थी, थोड़ी सी चमक चमक और ग्लिटर और ऐसी दिख रही थी, तो मैंने सोचा वो भी कैप्चर कर लूँ, आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करते करते जा रही थी। बस यहीं तक का था, यहाँ मैं एंड कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो ये व्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में भी, एडिट करने में भी, तो मेहनत को समझिए और ज़रा लाइक बटन को हिट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ये व्लॉग के लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय।